हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं रोज़ की तरह आप सभी के लिए आज राखी से कुछ ऐसे हैक टिप्स लेके आ चुकी हूँ, अमेजिंग टिप्स। इस टिप के जरिए आप एक बार बनाएंगे ना, आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों, जो ये राखी है ना, मैं इसको खोलने वाली नहीं हूँ, तो चलिए मैं टिप को शुरू कर लेती हूँ। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। अब जो ये राखी है, इसको आप खोलेंगे तो बहुत ईजी तरीके से ये खुल जाता है, इसको काटना भी नहीं है। तो मैं इसी तरीके से और भी राखी खोल ली हूँ। आप देख पा रहे होंगे ये जो राखी बच्चे पहने थे, ये बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ऐसी मोतियाँ होती है, कुछ ऐसे स्टोन होते हैं कि हमारे बहुत काम आते हैं। अब देखिए जो ये स्टोन है, अब आप सोचेंगे कि ये किस काम आने वाली है। तो चलिए मैं इसको फिलहाल बाहर निकाल लेती हूँ। अब बाहर निकालने के बाद मैं बताती हूँ। अब जैसे कि होता है ना हम सभी के घर में, अब ये जो स्टोन है बिल्कुल ये नग का काम कर रहा है। अब हमारे घर में जैसे जो हम सिंपल इयर रिंग सिंपल ये रिंग पहनते हैं, अब देखिए मेरी ये गोल्ड की है, मैं फिलहाल इसी में बता रही हूँ आप सभी को। तो ये जो गोल्ड के सिंपल टाइप में रिंग होती है, या वैसी भी जो आपने देखा होगा आर्टिफिशियल रिंग होती है, तो जो नग वाले राखी है उसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये सिंपल सा ही मुझे स्टोन काफ़ी अच्छा लगा। तो देखिए बस ज़रा सी ग्लू या फेविक्विक किसी भी चीज़ की हेल्प से आप इस पर चिपका सकते हैं। अब देखिए मैंने ग्लू गन ले लिया है, अब इससे मैं इसको चिपका रही हूँ। अब बहुत ईजी तरीके से चिपक चुका है, बिल्कुल सेट हो चुका है। अब देखिए मैं लगा के दिखा रही हूँ, अब देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। आप चाहे तो नग वाला भी है राखी तो भी नग वाला भी लगा सकते हैं, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो इसी तरीके से दोस्तों, ये जो स्टोन वगैरह है आप अपने अंगूठे में भी लगा सकते हैं। अब देखिए इस तरीके की जो राखियाँ होती है काफ़ी अच्छी लगती है राखियाँ। अब इसको मैं एक साइड से ये मोती निकाल ली हूँ, ठीक है, जिधर बड़ा धागा है इसको मैं निकाल ली हूँ। मैं आगे की भी प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। अब देखिए, अब जो ऊपर वाले पार्ट से मैंने निकाल लिया है, नीचे वाले पार्ट से वहाँ पे मुझे एक गांठ लगा लेना है। जी हाँ, अब गांठ लगा लेना है। अब देखिए गांठ इसलिए लगा लेना है कि ये जो ऊपर मोती है ना, ये बिल्कुल भी नहीं निकले नीचे खिसकेगा। अब देखिए मेरा बिल्कुल इसी पर सेट हो चुका है। अब आगे की भी प्रोसेस बताती हूँ कि इसको मुझे क्या करना है। थोड़ी सी कैंची काट देना है जहाँ से मैंने गांठ लगाया हुआ है। अब ये जो अब आप देख पा रहे हैं मोती को मैं नीचे खिसका दी हूँ। दोस्तों इस तरीके से नीचे खिसकाने के बाद मैंने इसमें अच्छी तरीके से टाइटली गांठ लगा दी है। अब ये देख पा रहे हैं ये जो स्टोन है, इसको मैं काफ़ी अच्छा एक बहुत ही प्यारा इसका मैं एक ट्रिक बताने वाली हूँ। अब देखिए थोड़ा सा मैं गम लगा लेती हूँ। अब गम लगाने के बाद जो ये स्टोन है, स्टोन को मैं इसके माउथ वाले पार्ट पे लगा लेती हूँ, यानी कि आगे वाले पार्ट पे। यहाँ पे मुझे इसको अच्छी तरीके से लगा के अब मुझे इसको अटैच कर देना है, जैसे कि इस तरीके से। अब देखिए ये मेरा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे ये हमारा क्या बहुत ही कीमती चीज़ बन चुकी है। जैसे कि हमारे घर में बच्चे छोटे मोटे फंक्शन वगैरह रहता है, अब आप देख पा रहे होंगे कभी ज़रूरत पड़ी जाता है, तो जैसे डांस कंपटीशन में बच्चे भाग भाग लेते हैं छोटे बच्चे। तो अब देखिए ये हमारा मांगटिक बहुत ही प्यारा सा बन के रेडी हो चुका है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को दोस्तों छोटे छोटे टिप और ट्रिप के जरिए आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मांगटिक भी बन चुका है, और जो मैंने हाथों में अपने रिंग पहना हुआ है उसका एक स्टोन भी लग के रेडी हो चुका है। तो चलिए एक मिनट मैं अब इसको साइड रख देती हूँ। अब आगे की भी प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। अब देखिए ये जो राखी है, अब मुझे क्या करना है, ये मैं इसको इधर से काट ले रही हूँ, एक साइड से मैं इसको थोड़ा सा इसको काट ली हूँ। अब देखिए अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे गांठ लगा लेना है। अब देख पा रहे होंगे आप कि इसको मुझे गांठ लगा लेना है दोनों तरफ से, इसमें जो मोती है ना वो बाहर नहीं निकले, मतलब किनारे नहीं खिसके। तो अब देखिए दोनों तरफ से मैंने अच्छी तरीके से इसको बांध लिया है, और बांधने के बाद भी मैं बताती हूँ मुझे इसको क्या करना है। इसलिए मैंने बांधा हुआ है कि इसका जो धागा है ना, इसका जो मोती है ना, कि ये बिल्कुल भी बाहर ना निकले। तो चलिए दोस्तों मैंने इसको बांध लिया है, अब मैं आगे की प्रोसेस बताती हूँ। जो एक्स्ट्रा है इसको मैं काट भी दूंगी। अब देखिए इस तरीके से जो हम सभी के घर में रबड़ रहता है, रबड़ बैंड रहता है, अब ये जो दोनों तरफ किनारा लटका हुआ है इसको काट देना है। अब ये जो मुझे बीच वाला पार्ट है उसको ले लेना है। अब देखिए इस तरीके से कैसे भी रबड़ बैंड हम इस तरीके से लगाते ही हैं, कोई चोटियाँ गूंथ के लगाता है, कोई खुले बाल में रबड़ लगाता है। अब देखिए थोड़ी सी मैं इस पर ग्लू लगाऊंगी। ग्लू लगाने के बाद अभी जो मैंने अब राखी का बांध के रखा हुआ है ना, अब आप देख पा रहे हैं अब इसको हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर अच्छी तरीके से अटैच कर देंगे। बस अब इस तरीके से हम, अब देखिए कितना बढ़िया है हमारा रबड़ बैंड बन के रेडी हो चुका है।
तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल की ट्रिक है। इसी तरीके से कई सारे रबड़ पे हम लगा लेंगे तो कोई यकीन नहीं कर सकता है कि मैंने इसको लगाया है अपने घर पे। अब देखिए, अब ये हमारा लग चुका है। अब इस तरीके से वो क्या है ना कि अब आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से लगा के अब हेयर बैंड पे भी लगा सकते हैं, कोई सा भी हेयर बैंड। हम सभी के घर में छोटे बच्चे रहते हैं तो देखिए लाल, ये मेरे पास ब्लैक है सिंपल वाली, तो मुझे इसी पे ज़्यादा अच्छा लगा तो मैं इस पे भी ये जो कुछ स्टोन है मैं इसको लगाती हूँ। अब देखिए थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा लेना है या फेविक्यूब लगा लेना है। बस इसके ऊपर जो मैंने अंगूठी में अपने लगाया हुआ है स्टोन, वही वाला स्टोन मैंने इस पर लगा दिया। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी लग रही है। अब देखिए ये जो मोती है, मैं मोती भी एक एक लगा देती हूँ। थोड़ा साइड में लगाना है, बीचों बीच नहीं लगाना है, ये साइडों में ही रहता है, तो मैं मोती को भी अटैच कर देती हूँ। दोस्तों बहुत ही कमाल के ऐसे छोटे छोटे हैक्टिव बन जाते हैं राखी से, तो क्यों ना ये जो राखी को हम फालतू इस्तेमाल करने के बाद हम इनको फेंक देते हैं। तो दोस्तों ऐसे छोटे मोटे ऑर्गेनाइजर आप अपने घर में, छोटे मोटे टिप आप अपने घर में ट्राई कीजिए। अब देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, थोड़ा सा मैंने इधर भी लगा दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा ये सेट हो चुका है। इसको जब हम टाइटली हाथ से उतारेंगे तभी उतरेगा, वैसे नहीं उतरने वाला है। अब बिल्कुल हमारे अंगूठी के साथ ही मैच भी कर गया, तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, इस तरह के हेयर बैंड में रबड़ में लगा के आप बहुत प्यारा प्यारा ऑर्गेनाइजर बना सकते हैं। अब देखिए तीन राखी मैंने लिया हुआ है। अब आप देख पा रहे होंगे ये जो राखी होती है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं, कोई कोई राखी बहुत अच्छी होती है। तो ये जो दो राखी है ना मैं इसको इसमें मिलाते हुए इसमें एक गांठ लगा लेती हूँ। अब इस तरीके से मैंने गांठ लगा लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको मैंने गांठ क्यों लगाया है। अब मैं इसके बारे में भी बताऊंगी दोस्तों कि मुझे गांठ लगा के मुझे क्या करना, आगे की प्रोसेस भी मैं बताऊंगी। अब देखिए मैंने दो बांध दिया है राखी, अब तीसरी भी राखी मैं बांधने वाली हूँ। इधर मैं इसको भी अटैच कर देती हूँ। और थोड़ी एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों कि थोड़ा मिलता जुलता एक जैसी ये जो राखी है ना एक ही जैसी हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये जो धागा कलावा है ना दोनों तरफ एक्स्ट्रा है, हम इसको निकाल लेते हैं, काट देते हैं कैंची की हेल्प से। तो चलिए इसको हम काट देते हैं और काटने के बाद मैं बताती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। अब देखिए अब जहाँ से हमने गांठ लगाया हुआ है अब वहाँ से देखने में थोड़ा सा भद्दा लग रहा है, तो मैं आगे भी प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। जो राखी कटे हुए हैं मैं थोड़ा सा उसको हटा दी हूँ साइड में, क्योंकि इसमें घिचपिच हो रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अभी जो आप देख पा रहे होंगे किनारा ये गांठ है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा अच्छी तरीके से टाइटली कर लेना है। और टाइटली करने के बाद अब यहाँ पर भी मुझे क्या करना है, एक एक स्टोन लगा लेना है, एक एक स्टोन लगा लेना है, नहीं तो ये मोती ही लगा देंगे। तो अब आप देखेंगे कि बहुत ईजी तरीके से ये हमारा एक बहुत ही प्यारा, बच्चे हमारे जाते हैं ना, आपने देखा होगा छोटे मोटे फंक्शन जब होता है या कहीं बच्चे डांस कंपटीशन में भाग वगैरह लेते हैं, तो इस तरीके से आप राखी से अपने बच्चों के लिए बहुत इजी तरीके से छोटे छोटे ये गले का सेट वगैरह भी बना सकते हैं। अब देख पा रहे हैं मैंने दो से तीन राखी थी मेरे पास, मैंने ये गले का बहुत ही प्यारा ये बन चुका है। अब देखिए जो आपको सही लगे इसके ऊपर आप लगा सकते हैं इस पर, तो मैंने थोड़ा सा एक ग्लू लगाया हुआ है। अब देखिए इस पर जो भी डिजाइन पसंद आता है वो भी डिज़ाइन इस तरीके से धागे पे लगा सकते हैं। अब देखिए मैंने लगा लिया है कुछ, अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा ये सेट भी हो चुका है। अब देखिए दोनों तरफ मैंने लगा दिया है, अगर स्टोन है इस टाइप का तो स्टोन भी लगा सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है, इसको लग चुका है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा स्टोन वगैरह है तो उसको भी लगा सकते हैं। तो चलिए ये हमारे गले का हल्का फुल्का ये बिल्कुल गले का हार बन के रेडी हो चुका है, गले का सेट। तो अब आप देख पा रहे होंगे इसको मैंने अच्छी तरीके से लगा भी दिया है। ये जो है इस पे चाहे तो दूसरा भी स्टोन, गांठ जो है ना जो मैंने गांठ लगाया हुआ था तो वहाँ पे दूसरा भी स्टोन लगा सकते हैं। अब आप देखेंगे बहुत इजी तरीके से ही हमारा गले का एक बहुत ही प्यारा से सेट बन के रेडी हो चुका है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अब ये नीचे वाला जो पार्ट है अब आप देख पा रहे होंगे और दोनों तरफ साइडों साइड आ चुका है। तो अब ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा तो मैं यहाँ का थोड़ा सा डेकोरेट अलग सा करना चाह रही हूँ, जो जहाँ पर मैंने गांठ लगाया हुआ था। तो इसमें से मैं देखती हूँ कि अभी मुझे यहाँ पे क्या लगाना है। तो दोस्तों इसी तरीके से बच्चे के लिए छोटे मोटे गले का हार बना सकते हैं, माला बना सकते हैं। हमारे बच्चे घर से जाते हैं डांस कंपटीशन में कहीं भाग वगैरह लेते हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा समस्या भी हो जाती है, और हम जब इस टाइप के ख़रीदते हैं ना तो बहुत महंगे आते हैं। तो अब देखिए अब मेरा तो गले का भी बन चुका। अब देखिए इसमें जो मोती है, अब मोती है मुझे क्या करना है। अब मोती, अब देखिए हम सभी के घर में क्या होता है ना कि इस टाइप के आर्टिफिशियल जो पहनते हैं
अब देखिए ये मेरे जो कान का है ना इसके अंदर नहीं जा रहा है। अब देखिए ये नहीं जा रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा अलग सा इसका लुक देने वाली हूँ। ये जो लाल है इसका राखी का ये जो कलावा है इसको मैं अपनी जो कान की इयर रिंग है इसमें मैं डाल देती हूँ। अब डाल के अच्छी तरीके से गांठ लगा लेना है। अब जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं चाहे तो दोनों तरफ मोती डाल देना है क्योंकि ये कान की जो बाली है ना मोटी हो रही थी इसमें मोती नहीं जा पा रही है। तो मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि अगर आर्टिफिशियल आपके पास जो इयर रिंग है तो इसमें भी आप डाल के बहुत इजीली तरीके से ये कान का भी इयर रिंग बना सकते हैं। अब देखिए मैंने सिंपल ये सिर्फ कलावा बांधा हुआ है इसमें और फिर भी अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा ये हमारा डेकोरेट बाली हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरीके से आज मैं 5, 6, 7 में आप सभी के लिए राखी का टिप बताई हूँ। और इसमें से कोई सा भी टिप दोस्तों अब अगर आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए हमारे गले का माला भी बन चुका है, काफ़ी अच्छा काफ़ी सुंदर भी बन चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैंने 3, ये 4 हो गया और जो मैंने हाथों में पहना है वो 5 हो गया है। और काफ़ी सारा इस तरीके से आप अपने घर में बना सकते हैं और काफ़ी सुंदर भी लगता है। तो दोस्तों आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिप अगर आप सभी को इनमें से कोई सा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों अपने साथ ही साथ गाँव और शहर का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों मुझे जान के बहुत खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।